दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाई डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनेहड़ा ऊना। हमारे समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज कांग्रेस पार्टी ने, कल ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम जी ने रिजाइन कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ओबीसी समुदाय की अनदेखी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का बहुत ध्यान रखा और आज ये जो समुदाय है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन और धन के साथ कार्य करता रहेगा। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि अब की बार 400 पार। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हवा चल रही है इससे 400 पार क्या 425 से भी ऊपर सीटें आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने भी कल मना कर दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो आज ये जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। यही मुद्दे डिस्कस होंगे कि ओबीसी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर घर में ओबीसी मोर्चा जो है वो दस्तक देगा और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बार जो है वो तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने में उनका पूरा योगदान रहेगा। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनेहड़ा में नए सत्र 2024-25 हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से प्लस टू कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स एवं कॉमर्स संकाय में विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करवाने की सुविधा उपलब्ध है। जबकि स्कूल कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर भी सुबह 8:30 बजे से साय 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9418118568 एडमिशन हेतु रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी लैब्स के साथ ई लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से विद्यार्थियों के हुनर को तराशा जा रहा है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। जबकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और आउटडोर गेम्स एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक बन रही है। साथ ही आर्थिक रूप से गरीब विद्यार्थियों हेतु फीस पर डिस्काउंट का भी प्रबंध है।